बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली ड्रग्स मामले में कई जगहों पर छापेमारी की सूचना मिल रही है। एक ऐसा मामला जिसने सियासी गलियारे में भी भूचाल लाने का काम किया था, उसी से जुड़ी खबर। और ईडी ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट जो हमें मिल रहा है, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी और इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी की सूचना हमें मिल रही है। तो दिल्ली ड्रग्स केस में तो पहले 5600 करोड़, उसके बाद 2000 करोड़, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट, 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदगी की गई है। और इसी मामले में कई जगहों पर छापेमारी अभी चल रही है। तो 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स रिकवरी मामले में केस दर्ज किया गया है और ईडी इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। दिल्ली ड्रग्स मामले में कई जगहों पर छापा मारा गया है। अभी की बड़ी जानकारी आपको दे दें तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ रही है, नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, ये तो बढ़ता ही जा रहा है पूरा ये मामला, जिस तरीके से 5600 करोड़, उसके बाद अब जानकारी मिल रही है 2000 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी हुई थी, अब कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि ईडी ने अभी इसमें मामला दर्ज कर लिया है इस मामले में। और असल जिस तरीके से 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी, तो टोटल अगर मैं ड्रग्स की बात करूं तो 7600 करोड़ की जो ड्रग्स है वो अभी तक बरामद हो चुकी है। ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है और ईडी की जो टीम्स है वो दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में कई ठिकानों पर रेड कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है जिसका जो मास्टरमाइंड है वो विदेश में बैठा हुआ है, विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है अभी तक 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। स्पेशल सेल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग चल रही है ड्रग्स के ऊपर, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी ने इस मामले को दर्ज कर दिया है तो कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ता जा रहा है और इस मामले में आगे आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को बता दें अभी की ये बड़ी खबर, दिल्ली ड्रग्स केस में कई जगहों पर छापेमारी। कल 2000 करोड़ की ड्रग्स मिली थी, उसके पहले 5600 करोड़ की ड्रग्स मिली थी और कुल 7600 करोड़ की ड्रग्स की रिकवरी अब तक हो चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।